हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के मॉडल पेपर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि इसी तरह के नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किसी उपकरण की रिपिल वोल्टेज मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है मल्टीमीटर, दूसरा ऑप्शन है डीसी वोल्ट मापी, तीसरा ऑप्शन है एसी वोल्ट मापी और चौथा ऑप्शन आपका सीआरओ। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सीआरओ। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की प्रारंभिक धारा होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है निम्न, दूसरा ऑप्शन है शून्य, तीसरा ऑप्शन है उच्च, चौथा ऑप्शन है नियत। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उच्च। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, शेडेड पोल मोटर के 1/3 भाग की वाइंडिंग होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ओपन सर्किट, दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट, तीसरा ऑप्शन है लीकेज सर्किट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शॉर्ट सर्किट। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, संचार प्रणाली का अवयव है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ट्रांसड्यूसर, दूसरा ऑप्शन है चैनल, तीसरा ऑप्शन है रिसीवर, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, डिमोडुलेशन प्रक्रिया में सम्मिलित क्रिया है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आपका रेक्टिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है आपका फिल्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है आपका ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए व बी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडल की प्रभावी परत का नाम है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आयनिक परत, दूसरा ऑप्शन है परावर्तक परत, तीसरा ऑप्शन है एप्लिटन परत, चौथा ऑप्शन है एडिशन परत। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परावर्तक परत। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, स्वीप एव टाइम बेस जनरेटर का आउटपुट होगा। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ज्या वक्रीय तरंग, दूसरा ऑप्शन है कोज्या तरंग, तीसरा ऑप्शन है आराधंत तरंग, चौथा ऑप्शन है ए व बी दोनों। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आराधंत तरंग। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अत्यधिक कम तापमान पर पीवीसी पदार्थ खालिस्तान हो जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है नर्म, दूसरा ऑप्शन है भुरभुरा, तीसरा ऑप्शन है अधिक कठोर, चौथा ऑप्शन है लचीला। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भुरभुरा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में प्राप्त सिग्नल की बैंडविड्थ बेस बैंड सिग्नल की बैंडविड्थ की कितने गुना होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 1 गुना, दूसरा ऑप्शन है 2 गुना, तीसरा ऑप्शन है 3 गुना, चौथा ऑप्शन है 4 गुना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 गुना। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, आधुनिक रेडियो रिसीवर में प्रयुक्त एंटीना होता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है फेराइट रॉड एंटीना, दूसरा ऑप्शन है डाइपोल एंटीना, तीसरा ऑप्शन है लूप एंटीना, चौथा ऑप्शन है यागी उड़ा एंटीना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फेराइट रॉड एंटीना। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा परीक्षण किसी चालक में धारा के प्रवाह की निरंतरता की जाँच करता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है सोल्डरेबिलिटी परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है कोल्ड कंटिन्यूटी परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कोल्ड कंटिन्यूटी परीक्षण। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, सोल्डरिंग करने के लिए आवश्यक सोल्डरिंग गन का चयन किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है वोल्टेज के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है सोल्डरिंग गन की टिप के आकार और आकृति के आधार पर, तीसरा ऑप्शन आपका सोल्डरिंग गन के भार के आधार पर, और चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, एस्काई कोड डाटा संचार अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, दूसरा ऑप्शन है 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, तीसरा ऑप्शन है 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर, चौथा ऑप्शन है 64 बिट माइक्रो कंट्रोलर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, सोल्डरिंग आयरन को खालिस्तान के कोण पर रखा जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है
20 से 35 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 35 से 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 से 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 60 से 90 डिग्री। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 35 से 45 डिग्री। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, आवृत्ति मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर का भाग नहीं है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ऑसिलेटर, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति मल्टीप्लायर, तीसरा ऑप्शन है पावर एम्पलीफायर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, यूनिवर्सल मोटर की बनावट खालिस्तान मोटर की भांति होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है सेडेड पोल, दूसरा ऑप्शन है एसी सीरीज, तीसरा ऑप्शन है डीसी सीरीज, चौथा ऑप्शन है रिपल्सन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डीसी सीरीज। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर प्राय खालिस्तान तक की क्षमता की बनाई जाती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 0.5 अश्वशक्ति, दूसरा ऑप्शन है 1.5 अश्वशक्ति, तीसरा ऑप्शन है 2.5 अश्वशक्ति, चौथा ऑप्शन है 2 अश्वशक्ति। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 0.5 अश्वशक्ति। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, सिग्नल की ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कला पर, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति पर, तीसरा ऑप्शन है आयाम पर, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आवृत्ति पर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, सुपर हेटरोडाइन रिसीवर का भाग है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ऑडियो पावर एम्पलीफायर, दूसरा ऑप्शन है मिक्सर, तीसरा ऑप्शन है लो पास फिल्टर, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, ऐसे ट्रांसड्यूसर्स जो स्वयं वोल्टता या धारा उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर्स, दूसरा ऑप्शन है सक्रिय ट्रांसड्यूसर्स, तीसरा ऑप्शन है दाब विद्युत ट्रांसड्यूसर्स, चौथा ऑप्शन है स्मॉल ट्रांसड्यूसर्स। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर्स। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, निम्न सिग्नल आरेख किस मॉड्यूलेशन को इंगित करता है। आपको एक ग्राफ दिया गया है, इसके बाद ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, दूसरा ऑप्शन है आयाम मॉड्यूलेशन, तीसरा ऑप्शन है कला मॉड्यूलेशन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर में कितने प्रकार के रैम रजिस्टर उपयोग में आते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 5। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, डायपोल एंटीना की लंबाई रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य के खालिस्तान होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है समानुपाती, दूसरा ऑप्शन है व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा ऑप्शन है समान, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, व्युत्क्रमानुपाती। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, जो उपकरण रेडियो तरंगों को उत्पन्न करके उन पर संकेत तरंग आरूढ़ करके उन्हें अंतरिक्ष में प्रसारित करता है कहलाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है टेलीविजन, दूसरा ऑप्शन है रेडियो रिसीवर, तीसरा ऑप्शन है रेडियो ट्रांसमीटर, चौथा ऑप्शन है एंटीना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेडियो ट्रांसमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, फ्यूज का कार्य है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है धारा को बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है धारा को रोकना, तीसरा ऑप्शन है धारा को कम करना, चौथा ऑप्शन है परिपथ की सुरक्षा करना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, परिपथ की सुरक्षा करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं उनकी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें।